तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सब भी 8 नंबर हालर यूज करते हैं कुछ इस तरह का, तो आप सबको भी जाली सेटिंग का प्रॉब्लम आता होगा बार बार। तो आज मैं आपके लिए इस समस्या का समाधान लेके आ गया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, देखने के बाद आपको जाली सेटिंग करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपके लिए ये जाली लेके आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर घंटी वाले निशान को नहीं दबाए तो घंटी वाले निशान ऑल पे सेट कर ले, ताकि हमारे चैनल का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों, अगर आप सब हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। तो दोस्तों, अगर आप सब 8 नंबर हालर यूज करते हैं तो उसमें 2 जालियाँ लगती हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी नंबर की जाली आप अपने हालर में लगाएंगे, ताकि आपका हालर जो है बहुत ही अच्छा से वर्क करेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन निकालेगा, चावल साफ निकलेगा, और भूसा जो होता है कन्ना उसमें भी आपका चावल नहीं आएगा। तो दोस्तों, मेरे पास आप देख सकते हैं ये 2 जालियाँ हैं, ये दोनों अलग अलग है। आप लोग भी देख सकते हैं कि दोनों जालियों में जो इसका गैप है और जो इसका गैप है, दोनों अलग अलग है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी नंबर की जाली है और आप इसे अपने हालर में कहाँ पर किस तरह से लगाएंगे कि आपका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। सो दोस्तों, ये जो मेरे पास जाली है ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा पुराना आपको दिख रहा होगा, मैं सिर्फ आपको इसका दिखाने के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये जाली जो है ये A22 जो इसका है नंबर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है A22। दोस्तों, ये RCM का जाली है और A22 नंबर से ही आता है। इसमें थोड़ा सा जो होता है इसका गैप जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है। और दोस्तों, ये वाला जो जाली है, ये वाला जाली M22 है दोस्तों, ये भी RCM का जाली है और ये M22 इसका नंबर है। आप लोग भी देख सकते हैं, अगर दिख जाए तो M22 इसका नंबर है। इसका जो है गैप थोड़ा सा पतला होता है, ये जो इसका गैप है ये वाला थोड़ा थोड़ा सा इसके मुकाबले ये पतला होता है। तो इन दोनों जालियों को हमें एक बार में हालर में लगाना होता है, क्योंकि ये अगर आप दोनों अगर ये वाला जाली लगा लेते हैं तो आपका जो भूसा होता है बहुत ही मोटा होगा, और थोड़ा बहुत जो चावल जो है आपका वो भूसा में जाता है। और एक ये वाला और एक ये वाला दोनों अगर आप लगाएंगे तो आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा आएगा, भूसा में भी चावल नहीं जाएगा और आपका जो है चावल भी बहुत फ्रेश निकलेगा। तो दोस्तों, लगाने के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों जालियों को आपको पहले जिस साइड से हॉपर होता है, धान का हॉपर जहाँ पर होता है, वहाँ पे आपको ये वाला जाली लगाना है, और जहाँ से आपका चावल का प्रोडक्शन निकलता है बाहर, वहाँ पे आपको ये वाला जाली लगाना है कुछ इस तरह से, ये वाला लेफ्ट साइड में और ये वाला राइट साइड में। दोस्तों, इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो धान है वो यहाँ पे साफ होता है, तो धान थोड़ा मोटा होता है, तो यहाँ पर हम मोटा जाली लगा देंगे तो हमारा भूसा जो है वो बाहर निकल जाएगा जल्दी से, और यहाँ पे जो है चावल फ्रेश होता है, तो यहाँ पे चावल जो है बारीक हो जाता है, तो बारीक होने के बाद हमारा चावल जो भूसा में नहीं जाएगा और चावल हमारा फ्रेश बाहर निकलेगा। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेफ्ट साइड में A22 नंबर जाली और राइट साइड में M22 नंबर जाली लगाते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से ही आप दोनों जाली को लगा के आजमाए हुए हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आप भी अपने हालत में इस तरह की सेटिंग करके अपना प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं और अपना चावल फ्रेश निकाल सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तो आपको हमारे यहाँ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।